हाइड्रोटॉपिक में वो जो होता है वो आपके पास एबजॉर्बिक भी होते हैं और दूसरे नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया वगैरह भी मौजूद होते हैं फोर्थ है फंक्शन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन दैट परफॉर्म इन द बैक्टीरिया अब हमारे पास नॉर्मली जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनके सेल मेम्ब्रेन जो होते हैं वो सिर्फ आपकी जो है एज अ गेट वे एक्ट करती है लेकिन इसमें बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन जो होते हैं वो अंदर फोल्ड होकर बीजा जोन स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं जो कि सर्टेन फंक्शंस कैरी आउट करती है इसी तरह जो होता है वो बैक्टीरियास के अंदर जो होता है वो गेट के तौर पर भी एक्ट कर रहे होते हैं और वो फ्लैक्सीबल होती है जस्ट लाइक द नॉर्मल सेल मेम्ब्रेन और वो साइटोप्लास को कम्प्लीटली सराउंड करी होती है देन क्वेश्चन इज वट आर द मीजाजोम एंड समय पॉसिबल फंक्शन मीजाजोम ये अगेंस्ट सर मेम्ब्रेन इमेजिनेशन है ये किस तरह की फॉर्में एग्जिस्ट करते है वेजिकल ट्यूब्यूज और लैमिला वेजिकल मीनस के ये इस तरह से अंदर वेजिकल के में ऐसे आएगी ट्यूब्यूस मीन के ये ऐसे इस तरह से ट्यूब

यूग सेल्स दोनों में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं तो इनके अंदर जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि इनका जो सेडिमेंटेशन रेट होता है वो डिफरेंट होता है और दूसरा ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसके साथ अटैच होते हैं देन उन्होंने पूछा है कि डॉट थ्री बैक्टीरियल शेप्स बैक्टीरिया जो होता है वो तीन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है एक कॉकाय जो कि स्पेरिकल बॉल्स होती हैं दूसरा बेसिलस जो कि इस तरह से डॉट शेप बैक्टीरिया होते हैं और तीसरा स्पायरल फॉर्म में जो होता है वह बैक्टीरिया एग्जिस्ट कर रहे होता है फिफ्थ है नैन द बैक्टीरिया डेट नॉर्मली बैक्टीरिया के पास सेल वॉल होती है लेकिन एक बैक्टीरिया जिसके पास सेल वॉल नहीं होती इसको हम लोग माइक्रोप्लाजमा कहते हैं इेगुलर क्लास्टर लाइफ स्ट्रस्टर व मोर लाइकली जीनस यानी कि जो कॉकर है वो नॉर्मली इस तरह से एक पैटर्न में या एक डिवीजन प्लेन में अरेंज होता है लेकिन इसमें उन्होंने जो देखा है वो है वो डिविजन प्लेन में नहीं बल्कि इस तरह से इरेगुलर क्लस्टर के फॉर्म में तो जो ऐसा स्ट्रक्चर हो कॉक का जिसके अंदर इरेगुलरिटी हो और कोई प्लेन ऑफ डिवीजन ना हो कि आप इजीली इसे इस तरह से डिवाइड ना कर सकें तो उस स्ट्रक्चर को हम लोग स्टेफाइलो कॉकाई कहते हैं थर्ड उन्होंने पूछा है आपका सेवन क्वेश्चन कि ड्रॉ एंड आउटलाइन एंड लेबल द स्टेप्टोबेसिली डिप्लो काकाई एंड स्टेफाइलो काकाई स्टेप्टोबेसिली बेसिकली ये चेन स्ट्रेन स्ट्रक्चर ऑफ बेसिलस है इसे आप इस तरह से जो है वो बता देने एंड देन आप इस पर थोड़ा सा इसे वन लाइन में एक्सप्लेन करेंगे जी इट इज चेन ऑफ बेसिलिस्ट दैट आर अरेंज इन द फॉर्म ऑफ चेन डिप्लो ये पेयर ऑफ काकर्स होते हैं जो कि अरेंज होते हैं इस तरह से तो इसको हम लोग डिप्लो काकस कहते हैं एंड देन स्टेफायलो ये स्टेफायलो आर द स्ट्रक्चर ऑफ द काकर दैट आर अरेंज इन एंड इनरेगुलर पैटर्न विदाउट एनी प्लेन ऑफ डिविजन तो इसके अंदर आप इस तरह से जो है वो इनरेगुलर मैथ ऑफ सेल्स को बॉल्स को इस तरह से शो कर देंगे

तो क्योंकि ये दो कॉकर है और ऊपर से स्ट्रेप्टो है चेन तो इसे हम लोग स्टेपटो कहेंगे और इस तरह आपने उनका जो है वो स्ट्रक्चर भी जो है वो ड्रॉ कर देंगे जैसे स्टेप्टो कॉका तो इसके साथ ही हमारे शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गए इन द नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस लॉन्ग क्वेश्चन